तो अगर आप जब भी रिचार्ज कराते हो तो इस चीज़ का ध्यान जरूर देना कि आपको अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ भी, तो कैसे हो आप? तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो रिचार्ज प्लान के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी सभी सिम ऑपरेटर ने अपना अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है, तो अगर आप जियो यूजर हो तो आपके लिए ये वीडियो है, बिकॉज मैं जियो यूज करता हूँ तो इनमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो के एक रिचार्ज प्लान के ऊपर जो कि है 499 रुपीज का और दूसरा है 479 रुपीज का। इन दोनों में क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको 499 के रिचार्ज में 56 GB डेटा, 28 दिनों के लिए प्रतिदिन 2 GB डाटा और सभी नेटवर्क पे अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS मिलेगा। और वहीं आपको 479 के रिचार्ज पे 84 GB डेटा, 56 दिनों के लिए प्रतिदिन आपको 1.5 GB डेटा मिलेगा और 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल मिलेगा सभी नेटवर्क पे। इन दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, जो 479 वाला रिचार्ज है उसमें आपको 84 GB डेटा मिलता है 56 दिनों के लिए, और वहीं आपको 499 के रिचार्ज में 56 GB डेटा मिलता है 28 दिनों के लिए। तो यहाँ पे जो फायदा हो रहा है वो 479 के रिचार्ज पे हो रहा है, बिकॉज यार उसमें आपको 84 GB डेटा मिलता है 56 डेज के लिए, और आपको 499 के रिचार्ज पे 28 दिन के लिए 56 GB डेटा मिलता है। लेकिन आपको वहीं 499 के रिचार्ज पे एक साल का डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि बहुत जो सारे प्लान होते हैं उन पे आपको डिज्नी हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम और बहुत ही सारे सब्सक्रिप्शन होते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं रिचार्ज के साथ ही। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपको सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट के लिए और SMS के लिए चाहिए या फिर आपको सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो कोई भी रिचार्ज के साथ तो वो जो रिचार्ज की वैलिडिटी है वो कम दी जाएगी आपको। अभी आप ही देख लो, जिसके साथ आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है उसकी जो वैलिडिटी है 28 दिन के लिए है, और जिसके साथ आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है उसकी जो वैलिडिटी है 56 डे। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए जब भी रिचार्ज कराते हो तो ऑफलाइन स्टोर से या फिर आप ऑनलाइन रिचार्ज करते हो, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान दिया करो कि आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए या नहीं चाहिए किसी भी चीज का। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आधे से ज्यादा जो यूजर होगा वो रिचार्ज के साथ सब्सक्रिप्शन भी लेते होंगे प्लान के ऊपर, तो ऐसी गलती मत करना। मतलब आप 499 का एक तो ज्यादा भी पैसा दे रहे हो और 28 दिन का रिचार्ज भी करवा रहे हो। तो आप 479 का रिचार्ज कराते हो तो आपको 1.5 GB देखने को मिलेगा प्रतिदिन, और वो भी आपको 56 डे के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल आइकन को ऑल पे रखना। मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।